अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है जी आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज सुबह नज़र से एक मुबशर सदीक भाई की वीडियो गुजरी जो फूड व्लॉगर हैं, तो उसमें वो अपने जो उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया उसके एक्सपीरियंस के बारे में शेयर कर रहे थे। तो काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस रहा उनका। आपके भाई ने भी इस डर की वजह से आज तक इस काम में पंगा लिया नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से भी ये काफ़ी रिस्की काम है। तो जो दो तीन मेजर प्रॉब्लम वो बता रहे थे जो उनको पेश आए, उनमें जो एक तो था वो स्वेलिंग उनकी काफ़ी ज़्यादा, सर पे और आईज़ वगैरह पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसके अलावा जो बाल उन्होंने लगाए हैं, जो हेयर लाइन वगैरह उनकी सही नहीं बनाई उन लोगों ने, प्लस कुछ जगह पर ज़्यादा बाल लगा दिए, कुछ पे कम लगा दिए, काफ़ी इशू बना उनके लिए। तो अब मैंने तो इसका जो सिंपल हल रखा हुआ है वो हेयर पैच है, तो गंजे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ मेरे हिसाब से वही है, जब कहीं अच्छा ज़रूरत हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपका भाई भी वही यूज़ करता है, तो वन टाइम ख़र्चा किया था, कुछ 3 साल हो गए उस टाइम रावलपिंडी से ही परचेज़ किया था, कोई 20,000 रुपये का मिला था, तो वही अभी यूज़ कर रहे हैं। कभी कभार कहीं वो अशद ज़रूरत हो तो वो लगा लेते हैं, वैसे निज़ाम चलता रहता है। तो कोशिश कर रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह से बचें, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की चीज़ है और अगर ख़राब हो जाए तो फिर ये बड़ा ख़राब करता है बंदे को। दुआओं में याद रखिएगा जी, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अल्लाह हाफिज़।